हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपकी सोशियोलॉजी के लिए और भी वीडियोस ला चुकी हूँ, आपके लिए एक नया वीडियो ले आई हूँ। जिस पहले वाले वीडियो में मैंने पुरुषार्थ पढ़ाया था आपको, तो उसके कैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह पुरुषार्थ पूरा कवर किया था। फिर कवर किया था सोशियोलॉजी, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसका नेचर, बिहेवियर, स्कोप, नेचर, सब कुछ सोशियोलॉजी का। फर्स्ट पेपर का पहले पूरा कंप्लीट कर दिया है, दूसरे पेपर में सिर्फ पुरुषार्थ पढ़ाया है। तो पहले सोच रही हूँ पहले पेपर का थोड़ा कवर कर लूँ। तो पहले पेपर का ही दूसरा यूनिट जो है आपका सोशल ग्रुप, पहला यूनिट करा चुकी हूँ, नेचर, स्कोप, इमरजेंस, डेफिनेशन, सब कुछ हो चुका है। अब मेरा दूसरा टॉपिक है, दूसरा यूनिट है पेपर फर्स्ट की सोशियोलॉजी का, वो सोशल ग्रुप है। और इस वीडियो में हम सोशल ग्रुप कंप्लीट कर लेंगे। आइए गाइस, हम पढ़ते हैं सोशल ग्रुप। तो व्हाट इज सोशल ग्रुप, सबसे पहले हम उसका क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर क्लासिफिकेशन या टाइप्स। और इतना ही हमें पढ़ना भी है इस टॉपिक में, सोशल ग्रुप में। तो डेफिनेशन, जितने भी बीए के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ये देख रहे हैं, ये आपका पूरा जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ऑनर्स चाहे कोर दोनों के लिए ही, इतना ही है आपके यूनिट सेकेंड में। तो ये हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, इसको कवर कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो डेफिनेशन और यार कॉन्सेप्ट और मीनिंग सोशल ग्रुप के, सोशल ग्रुप खुद का क्या है। सोशल ग्रुप मतलब सोशल मतलब सोसाइटी, और ग्रुप मतलब ढेर सारे लोगों का एक ग्रुप, मतलब ढेर सारे लोग जहाँ एक जगह मिल जाते हैं एक दूसरे से, वो ग्रुप हो जाता है। तो सोशल ग्रुप सोसाइटी का ग्रुप, ठीक। तो जो सोसाइटी में बहुत सारे अलग 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 पीपल रह रहे हैं, अगर वो एक साथ आ जाएँ तो वो ग्रुप हो जाए। जैसे अगर सड़क पे भीड़ जा रही है, अगर एक जगह इकट्ठा हुई एक जैसी भीड़, बस का वेट करते करते भीड़ इकट्ठा हो गई एक जगह, तो क्या वो सोशल ग्रुप हो जाएगी? नहीं, वो सोशल ग्रुप नहीं होगी। सोशल ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक जगह इकट्ठा हो जाना है, एक झुंड लोगों का, जिसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं। नहीं, सोशल ग्रुप होने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे या बात करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे ईच अदर से, एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो वो हमारा सोशल ग्रुप नहीं क्रिएट होगा फिर वो। तो कम्युनिकेशन कंपलसरी है, दो या दो से अधिक पर्सन अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही वो कहीं जाके सोशल ग्रुप फॉर्म होता है। बिना कम्युनिकेशन के सोशल ग्रुप नहीं फॉर्म होगा, एक भीड़ को हम सोशल ग्रुप कभी नहीं कह सकते, ठीक है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। दो डेफिनेशन मैंने यहाँ रखी है, और दोनों में आपको जो सूटेबल लगे, किसके द्वारा दी गई है मैंने ये भी लिख दिया है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए, अपने नोट्स के लिए, ठीक। अ सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। जो सोशल ग्रुप है वो सिस्टम है सोशल इंट्रैक्शन का। हाँ, इस डेफिनेशन के पहले एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन के बिना वो सोशल ग्रुप क्रिएट नहीं हो सकता, तो कम्युनिकेशन होगा तो वो इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन कब होता है? जब एक साथ दोनों तरफ से हमें एक क्वेश्चन के दूसरी तरफ से आंसर आता है, मतलब अगर इधर क्वेश्चन हो तो उधर आंसर आया, साइमल्टेनियसली एक दूसरे का रिप्लाई हो, रिस्पॉन्स एक दूसरे का। जैसे मैंने हाय किया, आपने हेलो किया, तो तुम कैसे हो, हम ठीक है, तुम बताओ कैसे। तो आपस में जब हमें क्वेश्चन करना रिप्लाई भी आ रहा है, तो ये जो होता है ना कि इसको इस वाले प्रोसेस के एक दूसरे से बात करना और तुरंत साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्स आना, इसको हम लोग इंट्रैक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। और अगर इंट्रैक्शन नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं, भले ही तुम डायरेक्टली फेस टू फेस कर रहे हो चाहे इनडायरेक्टली वीडियो कॉल पे इस तरह से कर रहे हो, तो वो बस होना चाहिए कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं है, उसी प्रोसेस को इंट्रैक्शन कहते हैं। अगर वो इंट्रैक्शन नहीं है तो क्या सोशल ग्रुप नहीं फॉर्म हो सकता, कभी भी नहीं फॉर्म हो सकता। तो वही देखते हैं हम इस डेफिनेशन, सोशल ग्रुप इज अ सिस्टम ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। जो मैंने कहा कि जहाँ इंट्रैक्शन है वहाँ सोशल ग्रुप नहीं, तो ये क्या है सोशल इंट्रैक्शन। अ सोशल ग्रुप जो होता है, सोशल ग्रुप इज अ सोशल ग्रुप होता है सिस्टम ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। सिस्टम है सोशली इंट्रैक्ट करने का, एक दूसरे के बारे में जानने का, समझने का, एक दूसरे को हेलो हाय करने का, मिलने जुलने का, ठीक है। सिस्टम जिसके थ्रू एक दूसरे को हम जानते हैं, ठीक, एक जगह आते हैं, दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। A collection of human beings who are brought into human relationship with one another. एक collection of human, एक झुंड में कुछ लोग हैं जो कि एक साथ आते हैं और एक साथ एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहते हैं। रिलेशन में तभी कोई रहेगा जब दूसरे को जानेगा, समझेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक। तो पहला, a social group is a system of social interaction. दूसरा, any collection of human beings
who are brought into human relationship with one another. ठीक, इन्होंने पहला डेफिनेशन दिया है हैरी एम जॉनसन ने, दूसरा आरम क्लेवर एंड पेज ने दिया है. ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ. आप समझिए ना कि सोशल ग्रुप क्या है. बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं. अगर वो एक भीड़ बना के खड़े रहेंगे तो वो सोशल ग्रुप नहीं बनेगा. अगर भीड़ बना के खड़े रहेंगे तो वो सोशल ग्रुप कभी नहीं बनेगा. लेकिन अगर ये बोला हाय तो इसने हेलो भी बोल दिया. ठीक, फिर इसने बोला हाउ आर यू, तो इसने बोला आई एम फाइन. तो क्या ये बातें हो रही हैं इन दोनों के बीच, क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन. और ये इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा तो सोशल ग्रुप कभी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरों को जब जानेंगे नहीं तो हम भीड़ के भीड़ रह जाएंगे, वो भीड़ कभी सोशल ग्रुप में फॉर्म नहीं होती. तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि कोई भी भीड़ सोशल ग्रुप नहीं होती. सोशल ग्रुप होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे बेसिक जो है वो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, वो होना चाहिए. तो अगर वो है तो सोशल ग्रुप है, नहीं तो नहीं. ठीक, जैसे हमने डेफिनेशन दे दिया, अब इसे कैरेक्टरिस्टिक कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक उसका बिहेवियर एक्चुअली वो होता कैसा है. ठीक, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बहुत सारे दो या दो से अधिक लोगों का कलेक्शन है इंडिविजुअल का. क्या सिर्फ एक लोग मिलके एक कोई ग्रुप बना नहीं है, कोई एक बंदा मिलकर कर ग्रुप बना सकता, नहीं बना सकता. उसके लिए 2, 3, 4, 5 मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि इंट्रैक्शन कैसे होगा, इंट्रैक्शन के बिना सोशल ग्रुप फॉर्म नहीं होगा. और सोशल इंट्रैक्शन कब होगा, जब दो या दो से अधिक लोग होंगे. ठीक, दो या दो से अधिक लोग होंगे तब इंट्रैक्शन होगा. तो इसीलिए तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए जिसमें एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर सकें. ठीक है, फिर इंट्रैक्शन अमॉन्ग मेंबर्स, जैसे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो, लोग हो और उनके बीच में इंट्रैक्शन भी हो, एक दूसरे से बातचीत करें, हेलो हाय करें, एक दूसरे से वो क्वेश्चन कर रहा था वो रिप्लाई करें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. अगर इंट्रैक्शन ऑफ अमॉन्ग मेंबर्स नहीं होगा तो सोशल ग्रुप नहीं होगा. पहला कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पीपल होने चाहिए, फिर सिर्फ पीपल ही नहीं उनके बीच इंट्रैक्शन भी होना चाहिए. कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इंट्रैक्शन अमॉन्ग मेंबर, फिर म्यूचुअल अवेयरनेस मतलब एक दूसरे के बारे में हम जानें. जब इंट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, अच्छा तुम बताओ कहाँ रहते हो, इसे फ्रेशर्स हो आप लोग आओगे कॉलेज तो एक दूसरे से बात करोगे, जानोगे, इंट्रैक्ट करोगे, तब जाके फर्स्ट ईयर का ग्रुप है. अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास में इंट्रैक्ट कर रहे हो ना, कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरे से, तो भी आपको सोशल फर्स्ट ईयर का ग्रुप कह सकते हैं. लेकिन अगर आपने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया होता, एक दूसरे को जाना नहीं होता, तो वो सोशल ग्रुप, वो आपका फर्स्ट ईयर का ग्रुप, हम कभी उसको ग्रुप नाम नहीं देते. ठीक है, तो वैसे ही म्यूचुअल अवेयरनेस, आप एक दूसरे के बारे में जानते हो, अच्छा वो भी फर्स्ट ईयर का है, वो भी सारा एडमिशन लिया है, मेरे साथ पढ़ता है, ये वो. ठीक, तो आपको क्या है म्यूचुअल अवेयरनेस के बारे में, आप जानते हो, वो भी आपके बारे में जानता है, ये चीज़ होना चाहिए. तभी तो अगर हम इंट्रैक्ट करेंगे, लोग हैं एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे ही. ठीक, तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इंट्रैक्शन अमंग मेंबर, बातचीत होनी चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस, अगर बातचीत करेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, म्यूचुअल अवेयरनेस हो जाएगी. वी फीलिंग, अपनत्व की भावना होगी. जब हम एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, डेली हम कॉलेज जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो वी फीलिंग मतलब अपनेपन का भाव लगाव तो हो ही जाएगा उससे. तो उस जो ग्रुप है उसमें से अगर फर्स्ट ईयर वर्सेज सेकेंड ईयर का कोई मैच हो जाए तो फर्स्ट ईयर की पूरी जो ग्रुप होगी, नहीं फर्स्ट ईयर जीतेगा और सेकेंड ईयर वाले, नहीं सेकेंड ईयर जीतेगा सेकेंड ईयर, तो पूरी फर्स्ट ईयर में क्या है वो ग्रुप है, उसके अंदर वी फीलिंग है, नहीं हमें जीतना है, हम सब साथ हैं. तो अगर कोई ग्रुप होता है तो उसमें अपनत्व की भावना होती है. ठीक है, तो उसके में अपनापन होता है, अपनीपन की फीलिंग होती है. वी फीलिंग की मतलब हम सब साथ हैं, उस ग्रुप के मेंबर हैं तो हम सब एक. ठीक, फिर पांचवा, ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडैरिटी, हम सब साथ हैं. अगर हम साथ हैं, हम एक साथ लड़ सकते हैं, तो ग्रुप की यूनिटी भी रहेगी प्लस सॉलिडैरिटी, मजबूती, ग्रुप टूटना नहीं चाहिए, ग्रुप की यूनिटी बनी हो. जैसे ये नहीं कि किसी लड़की की वजह से आप सेकंड ईयर से मैच हार गए तो वो आप उसको ग्रुप से निकाल देंगे, चाहे ग्रुप इस तरह नहीं, आप उसे स्ट्रांग करेंगे, आप उसको समझाएंगे. तो ग्रुप में यूनिटी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, यूनिटी एंड सॉलिडैरिटी होनी चाहिए. ठीक, वैसा ग्रुप होता है. फिर कॉमन इंटरेस्ट, तो जो जैसे फर्स्ट ईयर को मैच सेकेंड ईयर के साथ हो रहा था जैसे कि आप जानते हैं, तो कॉमन इंटरेस्ट, जो फर्स्ट ईयर के एक एक बंदा जो उस मैच में इन्वॉल्व होगा,
सबका क्या होगा, कॉमन इंटरेस्ट कि हमें सेकेंड ईयर से मैच जीतना है, ठीक है, जीतना। तो सबका क्या होना चाहिए, एक ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक। सातवां, सिमिलर बिहेवियर। जब हमारा इंटरेस्ट कॉमन है कि हमें सेकंड ईयर से जीतना है तो हम बिहेव कैसा करेंगे, इसी कारण हम प्रैक्टिस करेंगे, रनिंग करेंगे, स्किपिंग करेंगे। हमें कबड्डी का मैच हमें जीतना है सेकंड ईयर से, तो हम उस रिगार्ड में उस चीज़ को जीतने के लिए सब अपना रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या होगा, सिमिलर बिहेवियर, सब एक जैसा बिहेवियर कर, नहीं हमें जीतना है, जीतना है, जीतना। कोई कूद रहा है, कोई फाड़ रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, कोई स्किल, तो सबका बिहेवियर क्या एक जैसा है, किसके क्या चीज़ करने के लिए, कि हमें जीतना है, ठीक। आठवां, ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप जो होता है उसके अपने नॉर्म्स, के वैल्यू, उसके टर्म्स, उसके कंडीशंस होते हैं। अच्छा, जैसे हमने बना फर्स्ट ईयर ग्रुप, उसने सोचा हमें जीतना है तो हमें क्या करना होगा, अगर कोई कबड्डी में टच हो भी गया, आउट हो भी गया, ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी वजह से, हमारे टीम के मेंबर का होगा, उसको लूज नहीं करना, उसको करेज करना, कोई बात नहीं, ये कहा ना तो तुम जिस बार जा रहे हो तुम जीतो। तो इस तरह का रूल बनता है, लॉ बनता है कि नहीं, हम किसी को डिस्करेज नहीं करेंगे, करेज करेंगे, या किसी को हम अपने ग्रुप के मेम्बर्स को कभी अगर वो गुंद की वजह से हार भी जा रहे हैं तो कभी उनको मतलब उसके लिए डिप्रेस नहीं करेंगे। तो हम जो भी रूल है हमारा, सबको ये फूल फॉलो करना है, सब ये पहले जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, तो ये सारे रूल लॉ वगैरह बने होते हैं, उसके हर ग्रुप के अपने रूल रेगुलेशन, अपने नॉर्म्स होते हैं, ठीक। फिर साइज ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप होता है, जो उसकी साइज होती है, वो छोटा भी हो सकता है, दो लोगों का भी ग्रुप हो सकता है और 2000 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, बस आपस में इंट्रैक्शन होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, लोग होने चाहिए, इंट्रैक्शन हमें उनके बीच इंट्रैक्शन, बातचीत होनी चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस, एक दूसरे को जानने चाहिए, बात होगी तो जान जा ही जाएंगे, खुद को भी फीलिंग, बात होगी, रोज रोज मिलेंगे तो अपना खुद की भावना आ ही जाएगी, ग्रुप यूनिटी, अपना खुद की भावना आएगी तो हम यूनाइट हो ही जाएंगे, कॉमन इंटरेस्ट, और एक चीज़ के लिए जब हम सब मिलकर लड़ रहे हैं तो हमारा गोल भी एक ही होगा, सिमिलर बिहेवियर, जो गोल एक ही होगा, हम सब बिहेव भी उसी तरीके से करेंगे, ग्रुप नॉर्म्स। और जब हम कुछ, हमें कुछ पाना है, हमें कुछ अचीव करना है, तो हमारे जो ग्रुप के रूल एंड रेगुलेशन है वो होगा ही, क्योंकि बिना रूल रेगुलेशन के कुछ भी नहीं हम कर सकते। फिर साइज ऑफ द ग्रुप, जो हमारी साइज की होती है ग्रुप, वो दो लोगों का भी हो सकता है और 2000 लोगों का भी हो सकता है, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो हमने अभी समझा कि हमारा सोशल ग्रुप है क्या, उसके दो डेफिनेशन देखें और उसके 9 कैरेक्टरिस्टिक देखें, और भी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है, आप उसे देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी आराम से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक फिनिश हो गया। अब मेन बात है इसकी क्लासिफिकेशन और टाइप पे, जिसका जो क्लासिफिकेशन के लिए टाइप के लिए वो हम पढ़िए, जैसे प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ठीक है। अब हम इसके बाद वो पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी में सोशल ग्रुप पढ़ रहे थे, तो जिसमें जो कि हमारा BA फर्स्ट ईयर में हमारा यूनिट 2 है सोशियोलॉजी का, जिसमें हमने डेफिनेशन, व्हाट इज सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन मीनिंग समझ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए थे। अब हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन और टाइप्स उसके सोशल ग्रुप के, तो हमने देखा था उसका, हम पहला देख रहे हैं प्राइमरी ग्रुप, फिर सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप भी और देखेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप होता है पढ़ना, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड और डिटेल में पढ़ा जाता है। तो पहले हम प्राइमरी ग्रुप पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी ग्रुप, फिर उसके बाद सारे एक साथ, क्योंकि वो सब छोटे छोटे हैं। तो पहले प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लोगों का वो होता है, पीपल्स का, इसमें अट्रैक्शन होता है, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें अलग क्या है ऑल ग्रुपों से, प्राइमरी ग्रुप क्यों आ गया, न्यूक्लियस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट न्यूक्लियस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशनों का शुरुआत, जो सभी जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एकदम न्यूक्लियस, में साइंस में पढ़े होंगे न्यूक्लियस में क्या होता है, एकदम शुरू वाला बिंदु जो होता है ना, वो है प्राइमरी ग्रुप हमारा, यहीं से सब सारी शुरुआत होती है, इसी हमारा पहला ग्रुप यही होता है माई लाइफ का। इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप इन विच अ फ्यू पर्सन केम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जिसमें बहुत ही स्मॉल ग्रुप का, बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है, और कुछ ही पर्सन होते हैं जिससे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट भी डायरेक्ट होता है, कुछ ही लोग होते हैं, न्यूक्लियस होता है एकदम शुरू में हमारे लाइफ का, सबसे पहला ग्रुप वही होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे नेबरहुड, जब हम बॉन्ड करते हैं तो हमारे सबसे पहला ग्रुप जो होता है हमारे फैमिली होता है, जहाँ की हम शुरू होते हैं वहाँ पहला ग्रुप वही होता है, वहीं से हम शुरू होते हैं। अब हमारी फैमिली तो 3-4-5-6 लोगों की, ज़्यादा ज़्यादा 10 लोगों की, बहुत बड़ी हुई तो 10 लोगों की, नहीं तो छोटी हुई तो 2-3 लोगों की फैमिली वो होती है। तो वो स्मॉल लोग होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट नोज टू नोज, फेस टू फेस देखते हैं, कॉन्टैक्ट करके, ठीक है।
तो इतना समझ आया प्राइमरी ग्रुप का। अब प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो डोमिनेंस ऑफ फेस टू फेस रिलेशन। उसमें सिर्फ क्या होता है, फेस टू फेस रिलेशन, जैसे हमारी फैमिली और नेबरहुड है, हम तो रोज सुबह शाम दिन उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं फेस टू फेस, तो उनका कैसा रिलेशन होता है, फेस टू फेस रिलेशन, ठीक। दूसरा, रिलेशनशिप इज अ वॉलेंट्री एंड स्पॉन्टेनियस, नॉट प्लान एंड नॉट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। प्लान नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होता, वॉलेंट्री और स्पॉन्टेनियस, अपनी मर्जी से हम उसमें जुड़ते हैं। स्पॉन्टेनियस ऐसे नहीं कि स्पेशली, जैसे हम हमारा नेबरहुड में है कोई, तो हम ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई प्लान नहीं, आज हम जाएंगे इनके यहाँ, आज ही बात करेंगे आज इनसे, नहीं, अभी अचानक कभी जा रहे हैं, मिल गए, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, अच्छा बेटा तुम, अच्छा पड़ोस में रहते हो, अच्छा ठीक, ये नहीं चाहिए। तो आप अपने मतलब पहली बार आप अपने फैमिली में, आपके दादाजी जब आप बॉर्न किए, आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे, तो आपकी फैमिली जो आपके फादर मदर है वो प्लान करके, तो आपसे मिले, आपके तो मेरे नहीं, वो तो आप हमेशा उनके साथ रहे, फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई प्लान या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसमें, वॉलंटियर अपनी इच्छा से और स्पॉन्टेनियस अचानक से होता है। जैसे बच्चा बॉर्न हुआ, सबको देखा, अचानक से ही देखा ना उसने, उसके लिए पूरा एक ग्रुप बन गया वो, और उसने सबसे न्यूक्लियस पॉइंट वहीं से उसकी ग्रुप की शुरुआत हुई, ठीक। रिलेशनशिप इज पर्सनल, ये जो भी रिलेशनशिप होते हैं इस ग्रुप में, पर्सनल रिलेशनशिप, जैसे फैमिली है, तो फैमिली में जितने पर्सनल जितने रिलेशनशिप हो, फादर का, मदर का, एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ ग्रैंड फादर, एज अ ग्रैंड मदर, चाहे नेबर में ही अंकल है, आंटी है, तो क्या पर्सनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। रिलेशनशिप इज नॉन ट्रांसफरेबल एंड इरिप्लेसेबल होता है। नॉन ट्रांसफरेबल एंड इरिप्लेसेबल, नॉन ट्रांसफरेबल मतलब जैसे कि आपके दादाजी हैं, ठीक, मान जी किसी के दादाजी हैं, अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो वो इंसान के लिए जो वो रिलेशनशिप था उस सन इन लॉ का अपने दादाजी के साथ, वो तो फिर फिनिश हो गया। तो जब वो फिर वो दादाजी वाला पोजीशन किसी और को दे पाएगा, वो जो रिलेशनशिप था अपने बोते का अपने दादाजी के साथ, वो दोबारा किसी और के साथ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जब इंसान डिसअपेयर हो जाता है, तो वो रिलेशनशिप भी इस ग्रुप में डिसअपेयर हो जाती है, तो उसी तरह रिलेशनशिप उसकी उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता, तो उनकी जगह नॉन ट्रांसफरेबल एंड इरिप्लेसेबल, उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ना उनकी जगह को हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर क्विक कम्युनिकेशन, जो हम फैमिली में रहते हैं, मम्मी इधर सुनो, चाहे मम्मी बुला रही, बेटा आओ खाना लग गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो क्या तुरंत हम कम्युनिकेट करते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता बुलाएं ना बुलाएं, जैसे बाहर है तो हम 10 बार सोचेंगे, अच्छा इनसे बात करें ना करें, प्रोफेसर हैं बहुत डर लग रहा है, जाएं इनसे पूछ लें कि इस सब्जेक्ट में कौन सी बुक चलेगी कि नहीं चलेगी, जाएं ना जाएं, आधे घंटे से सोच रहे हैं। फैमिली में क्या ऐसा नहीं था, पापा हमें 10 रुपये चाहिए, हमें चॉकलेट खाना है, हाँ ले लो, मम्मी मैं बाहर घूमने जाऊँ, चल जाओ, तुरंत तुरंत ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्विक कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कॉपरेशन, जो कॉपरेशन होता है एक दूसरे से डायरेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इनडायरेक्ट फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करना है कि इनके साथ हमें काम करना है तो हम कॉपरेट करना है, वो हमारी फैमिली, हमारा पर्सनल रिलेशन है, हमारा पर्सनल लाइफ है, और हमारे लाइफ में ये पीपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसके साथ डायरेक्टली कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो डायरेक्ट कॉपरेशन होता है। मैंने प्राइमरी ग्रुप आपको समझाया, जैसे कि न्यूक्लियस होता है स्मॉल ग्रुप, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फैमिली और नेबरहुड, डोमिन फेस टू फेस, वॉलेंट्री, स्पॉन्टेनियस, एंड कोई प्लान वगैरह नहीं होता, अचानक से जब बच्चा बॉर्न करता है सबको देखता है, सबके लिए सब कुछ अच्छा आ रहा होता है, सही नेबरहुड है, उसने पहली बार अपने नेबरहुड को देखा, नमस्ते किया, तो फिर अचानक से वो तो प्लान तो था नहीं इनसे मिलेंगे चाहे कुछ भी, ये सारी चीज़ें। अब हम प्राइमरी ग्रुप के बाद सेकेंडरी ग्रुप देखा, जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले प्राइमरी ग्रुप बताया था सोशल ग्रुप की क्लासिफिकेशन में, अब हम आपको सेकेंडरी ग्रुप बताएंगे कि सेकेंडरी ग्रुप होता क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मेजोरिटी में जो बड़े बड़े थे, मेनली जो हमें पढ़ने थे डीप में, वो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप था, बाकी इसके बाद इन ग्रुप, आउट ग्रुप जो भी है, इसके बाद जो है वो छोटे छोटे हैं, वो आराम से पढ़ लेंगे एक बार में, बट सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप अच्छे से पढ़ना होता है। प्राइमरी ग्रुप आपने पढ़ लिया, अब सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं ग्रुप इन विच रिलेशन आर इनडायरेक्ट बिकॉज बिगर इन साइज। रिलेशन इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं, हम उससे ऐसे सामने खड़े के बातचीत नहीं करते हैं, या तो फ़ोन पे, या तो वीडियो कॉल पे, इस तरीके से होता है, तो दूर से किया इस तरीके से, क्योंकि साइज बहुत बड़ी होती है और हर कोई हर किसी से इंटरेक्ट करवाए ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है।
फिफ्थ मेंबर में नॉट स्टे टुगेदर, जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं एक साथ, जैसे एक फैमिली में हम प्राइवेट रूम देखा था, फैमिली नेवर रूल, लगभग एक दूसरे के आसपास ही हमेशा रहता है, हमेशा फेस टू फेस या एक दूसरे से हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं रहते हैं। दूसरी बात, इम्पर्सनल रिलेशन, जो पर्सनल होता है बहुत ही, जो रिलेशन होता है वो पर्सनल नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है, मतलब कि उन लोगों के बीच उतना रिलेशनशिप अच्छे, मतलब अच्छी रिलेशनशिप होती है बट इतना क्लोज एक दूसरे के नहीं होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। स्पेसिफिक इन एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट, वो जो ग्रुप है उसका एक स्पेसिफिक एंड है कि इतने समय बाद ये एंड हो जाएगा, और उसका स्पेसिफिक गोल या स्पेसिफिक इंटरेस्ट है कि कुछ वर्क के लिए, जैसे कि हम एक ब्रिज बन रहा है ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स का ग्रुप बना कि आपको ये ब्रिज बनाना है, और जैसे वो ब्रिज बन के जो मतलब तो उस उनका गोल क्या, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो ब्रिज बनाना, तो जैसे वो ब्रिज बन के रेडी हो जाएगी वो जो उनका ग्रुप था वो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप है ठीक, तो जैसे आप सेकंड ईयर में जाओगे जो आपका ग्रुप बना है व्हाट्सएप वगैरह पे, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा कि आपका वो फर्स्ट ईयर का ग्रुप क्यों बना है, ताकि आप क्लासेस कर सको, अपनी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सको कॉलेज से, तो वो ग्रुप अपने आप फिर, तो वो भूल आपका फर्स्ट ईयर का पूरा हो गया, फर्स्ट ईयर पूरा होते तब जब सेकंड ईयर जाएगा तो वो डिजॉल्व होकर नया ग्रुप बन जाएगा सेकंड ईयर का ठीक। तो वही स्पेसिफिक इन एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है, आप अपने जो व्हाट्सएप वगैरह पर ग्रुप आपके बने कॉलेज के, वो भी वीक इमोशंस, क्या वीक इमोशंस, यहाँ इमोशंस या अपनेपन वी फीलिंग नहीं होते, यहाँ वीक इमोशंस होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से उतना इंटरेक्ट, सब कुछ इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, हम कितना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अब बहुत ज़्यादा, अब कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट हैं, अगर हम कॉलेज खुले मिले भी तो हर किसी से रोज़ मिल पाए तो कंपलसरी है नहीं, तो ज़रूरी तो है नहीं कि हम हर किसी से बात की हो, हर किसी से इंटरेक्ट किए हों, और हर किसी से हमारा इमोशन बहुत ही अच्छा, एक दो होंगे उसके, उसको छोड़ के अगर देखा है तो और किसी से उतना नहीं होता। तो यहाँ वीक, जहाँ सेकेंडरी ग्रुप होता है, जैसे हमारे कॉलेज में जो हमारे कॉलेज का ग्रुप है वो सेकेंडरी ग्रुप, वहाँ वीक इमोशंस है ठीक। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं पॉइंट, बट हम एज अ डेफिनेशन फॉर्म किए कि ग्रुप इन विच रिलेशन आर इनडायरेक्ट बिकॉज बिगर इन साइज, मेंबर्स मे नॉट स्टे टुगेदर, इम्पर्सनल रिलेशन, स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट, एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज, आप अपना भी ग्रुप फर्स्ट ईयर ग्रुप, सेकेंड ईयर ग्रुप एग्जाम्पल दे सकते हैं, वीक इमोशंस। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशंस, अगर आप ये को कैरेक्टरिस्टिक एक फॉर्म पढ़े तो इसमें से उठा के यहाँ रख सकते हैं। फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशन, फॉर्मल होता है बहुत ज़्यादा, हम किसी से घर में अपने कुछ भी किसी से बिना हिचकिचाए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, मतलब मम्मी ये कैसे, पापा वो कैसे, क्या मम्मी हम यहाँ जा सकते हैं, तो क्या हम बाहर भी कर सकते हैं, मैम अगर पढ़ाई के बीच में खड़े के पीछे मैम मैं गो टू वाटर, तो ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते घर में पढ़ रहे मम्मी पानी प्यास लगी है ला दो प्लीज़, वो होता है, तो वो फॉर्मल इम्पर्सनल होता है, वो इनफॉर्मल होता है, हम कैजुअली बात करते हैं, फॉर्मल इम्पर्सनल रिलेशन। बिग इन साइज, बहुत बड़ी साइज होती है, वहाँ फैमिली में स्मॉल इन साइज थे। ऑप्शन ऑफ मेंबरशिप, वहाँ हमारा बचपन से ही हमारे पास वो हमारा पहला ग्रुप होता है फैमिली, लेकिन ये जो सेकेंड ग्रुप ऑप्शन ऑफ मेंबरशिप, इसमें मेंबरशिप क्या है, ऑप्शन है, बस हम चाहें तो उसमें रहें और चाहें तो निकल जाएँ ठीक। नो फेस टू फेस रिलेशन, इधर फेस टू फेस रिलेशन नहीं है, हम इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा फेस टू फेस रिलेशन हो ठीक है। गोल ओरिएंटेड, बताया ना जैसे ब्रिज बनाने का काम है, उसके लिए ढेर सारे इंजीनियर, 5-6 इंजीनियर्स का ग्रुप बना, जैसे ही वो ब्रिज बनेगा वो ग्रुप डिजॉल्व होता, तो वो उस गोल से ओरिएंट करता है वो ग्रुप, तो जैसे ही गोल हमारा ख़त्म हो जाएगा हम वो ग्रुप भी डिजॉल्व कर देंगे ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी ग्रुप ठीक। अब उसके बाद 3-4 और ग्रुप्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर यहीं फिनिश हो जाता है, आपका यूनिट 2 भी हमने फिनिश करा देना है आज इसमें। तो जैसे कि फ्रेंड हमने इसके पहले देखा कि हमने डेफिनेशन पढ़ा सोशल ग्रुप का, क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा सोशल ग्रुप क्या है, कैसे है, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि वो कैसा है, और फिर उसका कॉलेज क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो डीप क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना था प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का वो हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, इन ग्रुप आउट ग्रुप, वॉलंटरी ग्रुप एंड इनवॉलंटरी ग्रुप, हॉरिजॉन्टल ग्रुप एंड वर्टिकल ग्रुप, परमानेंट एंड टेम्प्रोरी ग्रुप, हम मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप, और किन किन लोगों ने इसको दिया, और हाँ आपको बताना भूल गए थे, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप किसने दिया था, कूले ने दिया था, कूले ने दिया था प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। सबसे पहले इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इन ग्रुप क्या होता है और आउट ग्रुप क्या होता है, तो इन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर हम होते हैं,
तो आप प्रेजेंट में इस टाइम किस किस ग्रुप के अंदर हो? अगर हम बी ए फर्स्ट ईयर वालों की बात करें तो आप जो आपके कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर का ग्रुप है व्हाट्सएप पे बना हुआ अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप उसके ग्रुप तो उसके लिए आप क्या इन ग्रुप हो गए। और जो आपके मतलब जैसे सोशोलॉजी का, अगर जिनका सोशोलॉजी है सोशोलॉजी में इन ग्रुप होंगे, जिनका साइकोलॉजी नहीं है साइकोलॉजी में वो आउट ग्रुप। जैसे आप जिस भी ग्रुप प्रेजेंट में आप जिस ग्रुप भी ग्रुप के अंदर होते हैं वो आपके लिए इन ग्रुप होता है, और जिस ग्रुप में आप नहीं होते वो आपके लिए आउट ग्रुप होता है। जैसे कोई इंसान है उसका फर्स्ट ईयर में कोई लड़की उसका साइकोलॉजी नहीं है बट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के ग्रुप में है वो, तो हिस्ट्री उसके लिए इन ग्रुप हो जाएगा और साइकोलॉजी उसके लिए आउट ग्रुप। जैसे कि कोई पर्सन है वो जैसे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो बीजेपी उसके लिए क्या है इन ग्रुप हो गई, और जो जिस पॉलिटिकल जैसे कांग्रेस हो गई उसके लिए आउट ग्रुप हो गए, बाकी सारे जो होंगे वो आउट ग्रुप जिसमें वो नहीं है आउट ग्रुप, और जिसमें है वो इन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप किसने दिया था? डब्ल्यू जी सुंदर ने। ठीक, अब वॉलंटियर ग्रुप एंड इनवॉलंटियर ग्रुप। वॉलंटियर ग्रुप और इनवॉलंटियर ग्रुप क्या होता है? वॉलंटियर ग्रुप वो होता है जिसमें हम अपने आप जुड़ जाते हैं, जिसमें हमें हमारी मर्जी नहीं पूछी जाती, हम अपने आप जुड़ जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, अपने आप जुड़ जाते हैं। वो हमारा बचपन से होता है हमारे पास, हम अपने आप जुड़ जाते हैं उसमें, हमें कोई मर्जी नहीं होती, हम अपने आप जुड़ जाते हैं। और इनवॉलंटियर में क्या होता है? हमसे पूछा जाता है, हमारी मर्जी होती है, जिसमें हम खुद से जुड़ना चाहते हैं वो इनवॉलंटियर ग्रुप होता है, जिसको उसने दिया था चार्ल्स ए इलवर्ड ने। तो जैसे वॉलंटियर इनवॉलंटियर का जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, कोई भी सोसाइटी का कोई ग्रुप हो गया, तो वो हमारा इनवॉलंटियर में हम होना चाहते हैं। और वॉलंटियर जैसे हमारी फैमिली, हमारा नेबरहुड, हमारी जो सोसाइटी नहीं कह सकते, मतलब बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होने, हमारा फैमिली, हमारा नेबरहुड, हमारा फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल भी नहीं कह सकते, हाँ फैमिली और नेबरहुड को कह सकते हैं कि वो हमारा वॉलंटियर ग्रुप है, जिसमें हम खुद से अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैदा होते हैं इन्वॉल्व हो गए। इनवॉलंटियर क्या? जिसमें हमको खुद से हमारी चॉइस देनी होती है कि हम होंगे कि नहीं। ठीक, दूसरा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। देखो जो लाइन ऐसे होती है, ऐसे सीधे ऐसे, उसको हॉरिजेंटल कहते हैं, और जो लाइन ऐसे होती है उसको वर्टिकल कहते हैं। तो इसी बात से ही आप समझ जाएंगे कि ये ग्रुप कैसा है। हॉरिजेंटल ग्रुप मतलब कि सेम स्टेटस, जैसे कोई भी चीज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल का सेम है तो उनका एक ग्रुप बनता है। जैसे सेम स्टेटस के लोग, जैसे डॉक्टर 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 सभी डॉक्टर हैं तो उनका एक ग्रुप बन गया। जैसे मिडिल क्लास, ढेर सारे लोग मिडिल क्लास के बिलोंग करते हैं एक साथ है, उनका ग्रुप बन गया मिडिल क्लास। कोई भी एक सिमिलरिटी के लोग जब एक साथ आते हैं तब उनका एक ग्रुप बन जाता है, वही हॉरिजॉन्टल ग्रुप, मतलब उनका सबका बेस एक समान है। ठीक, जैसे कि डॉक्टर 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 मिल गए, या इंजीनियर 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 मिल गए, या टीचर टीचर मिल गए, या तो एक इकोनॉमिक एक स्टेटस के लोग मिल गए, चाहे इस इंडिया का प्रेसिडेंट, चाइना का प्रेसिडेंट, सॉरी इंडिया का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, और इन सब ऐसे मिल गए तो वो हो गया, मतलब सेम स्टेटस और सेम पोजिशन के लोग जब आपस मिल जाते हैं तो वो हमारा, क्योंकि ऐसे सेम मतलब इसी पे सब खड़े रहेंगे। अगर हमारे हाथ पे सब खड़े रहेंगे तो सबका क्या पोजिशन बराबर ही ना रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल। ठीक, और वर्टिकल ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मतलब इनके स्टेटस में, जैसे हमारा रिलीजन है, जैसे हमारा कास्ट सिस्टम, लेटर्स नंबर ऑफ कास्ट सिस्टम, चले हमारे पीछे उसमें कैसे बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हायरार्की है, हायरार्की है, वैसे हायरार्की पूरी है। ठीक, तो ये वर्टिकल है ऊपर से नीचे, रिचेस्ट रिच पुअर पुअरेस्ट। ठीक, अब बहुत गरीब, अब बहुत अमीर, अमीर गरीब, बहुत गरीब, तो ऊपर जो हायरार्की जो शो करे वो हमारा वर्टिकल ग्रुप, और जो हमारा एक बराबर है वो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रुप। ठीक, इसको किसने दिया था? पी ए सोरकिन ने। अब परमानेंट एंड टेम्प्रोरी ग्रुप। ठीक, परमानेंट ग्रुप वो होता है जो जो ग्रुप हमेशा हमेशा होल लाइफ के लिए हमारे होता है, जैसे कि हमारी फैमिली होती है, हमारे नेबरहुड को इसमें नहीं रहेंगे, नेबरहुड जरूरी नहीं कि आज आप यहाँ रह रहे हैं कल वही जिंदगी भर वही रहेंगे। ठीक, तो परमानेंट ग्रुप जो हमारी पूरी लाइफ वही रहती है, तो वो हमारा फैमिली है। और टेम्प्रोरी ग्रुप वो होता है जो पर्टिकुलर गोल के लिए बना, फिर वो गोल खत्म होते हैं, वो ग्रुप भी डिजॉल्व हो जाना है। ठीक, उसको किसने दिया है? बॉटमोर ने। ठीक, अब मेंबरशिप ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप वो होता है जो ऐसा ग्रुप जहाँ हम पैदा होते ही वहाँ के मेंबर बन जाते हैं, जैसे कि हमारा जो हमारी फैमिली हुआ उसके ग्रुप के मेंबर हम पैदा होते ही बन गए, हमारा जो कास्ट है
जिसमें हम पैदा हुए उसमें अपने आप मेंबर बन गए, हमारे जो रिलीजन है उसमें पैदा हुआ अपने आप वहाँ के मेंबर बन गए, तो जहाँ पैदा होते ही वहाँ के मेंबर बन जाए तो वो हमारा मेंबरशिप ग्रुप होता है। और रेफरेंस ग्रुप वो होता है जब हम बड़े होते हैं और खुद से रेफरेंस करते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं कोई ग्रुप, तो वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें कि जैसे आपको कैटरीना कैफ बहुत पसंद है, तो वो यार्डले का परफ्यूम लगाती है, यार्डले के परफ्यूम का ऐड करती है। तो अच्छा, आपको कैटरीना कैफ पसंद है, यार्डले का परफ्यूम का ऐड करती है, हमको भी यार्डले लेना चाहिए, तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस क्या हो उस यार्डले के परफ्यूम की तरफ, क्योंकि आपकी फेवरेट कौन है, कैटरीना, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे, मतलब जो शुरू में आपका शुरू पैदा होते ही बिना आपके उसके परमिशन के जहाँ अपने आप मेंबर हो जाते हैं, तो वो मेंबरशिप ग्रुप होता है। और बड़े होने के बाद जहाँ आप चॉइस शो करते हैं, जहाँ खुद से चूज़ करते हैं, जहाँ खुद से आप अपने ग्रुप में शामिल होते हैं, वो हमारा रेफरेंस ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इसको किसने दिया था, मेटन ने। तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन, हमने टाइप्स बता दिया ग्रुप्स के, मीनिंग डेफिनेशन करेक्टरिस्टिक्स सब कुछ हो गया, सबके नाम किसने किसने दिए थे, ठीक है। और सोशल ग्रुप का वीडियो यहीं फिनिश होता है। अगर आपको और कुछ है जो रह गया है या और कोई प्रॉब्लम, वैसे तो सब कुछ मैंने कवर कर दिया, अगर कुछ भी ऐसा लगा जो नहीं समझ आया वो मुझे कमेंट कर दे, मैं आपको बता दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें, क्योंकि मैं वीडियोज़ लगाती हूँ आपको पता ही नहीं चलता, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। और आप प्रॉब्लम में रहते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो अगर आप जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे चैनल का नाम है अपना बीए क्लासेस, उसके जिस बगल में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी तुरंत आपके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ताकि आपको तुरंत पता चल जाए मैंने वीडियो बनाया। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ढेर सारा प्यार दें।